जी बिल्कुल, मैं आपको ग्राउंड से सीधी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस वक्त समर्थन देने वाले जितने भी लोग हैं वो अंदर बैठ के यहाँ पर आके समर्थन कर रहे हैं। मेधा पाटकर जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो यहाँ पे भी पहुंची है और यहाँ पर अपना समर्थन जो है खिलाड़ियों को दे रही है। खाप पंचायत के जितने भी लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सीधी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर बैठ के अपने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें जो है वो सामने रख रहे हैं और हर बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है किस तरीके से जो खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं उनको न्याय जो है वो मिलनी चाहिए। आज बेहद खास दिन है, एससी के सामने जो है पेशी होने वाली है यहाँ पर और लगातार जो यहाँ पे जो जितने भी पहलवान है वो लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि अगर कोई बात किसी तरीके की अगर एलिगेशन से अगर उनके ऊपर भी लगे हैं तो उस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए और इसको लेकर के जो है लगातार जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने अपने जो है यहाँ पर बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी मंच पर आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट मिलना है उसमें साफ तौर पर अगर उनकी गलती है तो उन्हें भी सजा मिले या फिर जिस तरफ से गलती हो रही है वहाँ पर त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाए। ठीक है, और मेधा पाटकर अभी वहाँ पर पहुंची है, उसके अलावा खापो से जुड़े प्रतिनिधि भी आज पहुंचने वाले हैं तो संख्या वहां पर ठीक ठाक होगी। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया है जी बिल्कुल, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। खाप पंचायत से जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हर कुछ देर में जो है यहाँ पर लोग जो है आते जाते नजर आ रहे हैं और सुबह से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करीब खाप पंचायत से सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अपने तरीके से यहाँ पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ एक्सरसाइज भी की और उसके बाद जो है कुछ देर बाद कुछ लोग यहाँ से जाते हुए भी नजर आए। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं अब उनको समर्थन भी मिलने लगा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय है उन्होंने भी ट्वीट करके बोला कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ हो रहा है उस पर संवेदनशीलता से एक तरफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए। आज कोई और वहां पर पहुंच सकता है, ऐसा कोई अपडेट है क्योंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी तक सिर्फ मेधा पाटकर यहाँ पहुंची है और आगे के समय में यहाँ पर कौन पहुंचने वाले इसको लेकर के खिलाड़ियों को कोई जानकारी अभी दी नहीं गई है। कुछ लोग अगर वहां पर मौजूद हैं अनुष्का, कोशिश कीजिए उन लोगों से बातचीत करने के लिए कि बड़ी संख्या में लोग आपके आसपास दिख रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और मैं कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करूंगी। सर, आप यहाँ पर समर्थन देने आए खिलाड़ियों को? हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम देख रहे हैं कुछ लोग जो यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने से कतरा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है इस बात से कि जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर वो सामने जो है वो आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं वो जो है अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ जो है अंदर अपने तरीके से यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जितने भी लोग हैं वो मीडिया से जो है बातचीत करने से घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने जो है वो नहीं आ रहे। तो अंदर जो लोग मौजूद हैं अनुष्का, उसमें क्या हरियाणा के अलग अलग जगहों से जो खाप से जुड़े प्रतिनिधि हैं वो बैठे हैं क्योंकि संख्या उनकी ठीक ठाक लग रही है? जी बिल्कुल, खाप पंचायत से यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। खाप की उपस्थिति अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो है अपनी बात को सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बातें की जा रही है, ज्यादातर जो लोग इसमें है वो खाप पंचायत से है और सामने आकर खिलाड़ियों के हित की बात लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर यहाँ बैठने की नौबत आई है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। बार बार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है किस तरीके से केंद्र सरकार से जुड़े कोई भी नेता यहाँ ग्राउंड पर आकर खिलाड़ियों के समर्थन में बातचीत नहीं कर रहे हैं। या तो ये कहा जा रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो अनडिसिप्लिन तरीके से किया जा रहा है या तो फिर ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी की जो गठन की गई है वो जांच कर रही है, मगर अपने तरीके से यहाँ पर आकर खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने के लिए कोई भी नेता अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। चलिए, आप मेरे साथ बनी रहिएगा अनुष्का। इस वक्त अरविंद सिंह मेरे